93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। सुबह सुबह मनीष की नींद खुली जब उसका मोबाइल फोन बजा। फोन उठाया तो किसी दीपक का फोन था जिसने फोन के उठते के साथ ही कहा, मैंने पेपर में एड देखा कि आपको किराएदार चाहिए, मैं और मेरा भाई दरअसल फ्लैट ढूंढ रहे हैं। उसने फ्लैट का एड पेपर में देखकर फोन किया था। मनीष ने बताया कि वो करीबन 6 महीने से रह रहा है यहां और मकान मालिक बाहर रहते हैं। उसी के ब्रोकर ने बाकी के दोनों कमरों के लिए एड दिया है। सारी बातचीत हो जाने के बाद दीपक अपने भाई प्रतीक को लेकर आया। फ्लैट अच्छा लगा तो ब्रोकर को पेमेंट भी कर दिया और अपने भाई प्रतीक के साथ शिफ्ट हो गया अपने इस नए घर में। मनीष अपने काम में 2-3 दिन बहुत बिजी था इसलिए दोनों से ठीक से बातचीत भी नहीं हुई। उस शाम मनीष जल्दी लौट आया। दीपक और प्रतीक के हंसने बोलने की आवाज 17वें माले के उनके फ्लैट की बालकनी से आ रही थी। बालकनी बिल्कुल कोने में थी और दरवाजा बंद कर दो तो बाहर की आवाजें करीब करीब ना के बराबर ही सुनाई देती थी। मनीष बालकनी में पहुंचा और आधा शहर आंखों के सामने जगमगाता हुआ दिखाई दिया। हाय हेलो हुई तो कुछ देर काम, पढ़ाई, ऑफिस और जिंदगी के बारे में बातें होती रही। जान पहचान से दोस्ती बनी। प्रतीक को याद आया कि उसका मोबाइल तो अंदर रह गया था। वो फोन लेने अंदर गया। दीपक ने देखा कि मनीष के पास ग्लास नहीं है तो वो उसके लिए ग्लास लेने अंदर आया और अंदर आते ही दोनों भाइयों ने दरवाजा बंद कर दिया और हंसने लगे कि मनीष डर जाएगा। उसको बंद रखते हैं बाहर जब तक घबरा के रोने न लगे, लेकिन मनीष ने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया। उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। दीपक और प्रतीक ने दरवाजा खोला तो देखा बालकनी पूरी तरह से खाली पड़ी थी। दोनों ने तुरंत नीचे झांक कर देखा, मनीष कहीं भी नहीं था। बालकनी से ऊपर या नीचे 17वें माले से कोई कहां गायब हो सकता है? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? मनीष कहीं नहीं था। दोनों भाई प्रतीक और दीपक माथे पर हाथ रखे बालकनी के दरवाजे को बंद करते हुए जब ड्रॉइंग रूम में आए तो वहां का नजारा देखते ही वो बुरी तरह घबरा गए और पसीना पहुंचते हुए एक दूसरे को देखते हुए बोले, मनीष तू यहां कैसे आया? तू तो अभी बालकनी में था। मनीष ने यह सवाल सुनकर हंसते हुए कहा, अरे कितनी पी ली है भाई तुम लोगों ने, ऑफिस से आया हूं अभी। चलो यार एक आध मुझे भी पिलाओ। दीपक और प्रतीक का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। मनीष को लेकर बालकनी में गए, सबने एक ड्रिंक बनाई और पीनी शुरू की तो मनीष ने कहा, अरे यार तुम लोग पियो, मैं 2 मिनट में ना हाथ मुंह धोकर के वापस आता हूं। दीपक भी थोड़ी आइस और ठंडा पानी लेने पीछे पीछे आया और आइस और पानी लेकर वापस दरवाजे पर आया तो देखा मनीष बालकनी के दरवाजे को बंद करके हल्के से हंस रहा था। दीपक ने उससे कहा, क्या कर रहे तू, ये दरवाजा रोककर क्यों खड़ा है? प्रतीक तो बाहर है ना? मनीष ने एकदम से पलटकर अजीब सी
डरावनी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए कहा, अभी जब तुम दोनों ने मुझे बंद कर दिया था तब तो बड़ी हंसी आ रही थी, अपना भाई बंद हुआ तो बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, मनीष की बात सुनकर दीपक बिल्कुल हाथ में पकड़ी बर्फ की तरह जम गया और उसने हकलाते हुए कहा, पर तू तो बोला कि तू अभी ऑफिस से आया। मनीष जोर से हंसा और उसने दीपक से कहा, अरे मजाक कर रहा था यार, तू तो डर गया। चल प्रतीक को बुला ले, अंदर ही बैठते हैं। प्रतीक को बालकनी से बुलाकर तीनों अंदर आ ही रहे थे जब पीछे से बालकनी का खुला दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हुआ और किसी के रोने की आवाज तीनों को साफ साफ सुनाई देने लगी। दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर झांका तो दिल में घबराहट भरी थी, पता नहीं क्या दिखेगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही तीनों ने देखा, बाहर कोई नहीं था। तीनों अंदर वापस आए, इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह मनीष जल्दी ऑफिस चला गया और शाम को लौटा तो दीपक और प्रतीक अपने कमरे में ही थे। मनीष फ्रेश होकर आया और दरवाजे से ही बोला, अरे तुम दोनों कभी तो कमरे से निकलो, तुम दोनों के अलावा भी लोग हैं दुनिया में। दोनों हंसे और वापस अपनी बातों में लग गए। मनीष नहा धोकर टीवी ऑन करके बैठा कि सुकून से थोड़ा टीवी देखेगा और उसके बाद खाना खाकर सो जाएगा। टीवी पे कुछ अच्छा नहीं दिखा तो गाने ही चलाकर बैठ गया। बैठे बैठे गाना सुनते सुनते अचानक टीवी पर आता गाना रुक गया और मनीष का सोफा जोर जोर से हिला और किसी ने सोफे को पीछे घसीटा। मनीष हड़बड़ा कर सोफे से उछल के उठा और बोला, तुम दोनों भाई भी यार। लेकिन अपनी बात मनीष पूरी नहीं कर पाया क्योंकि पीछे कोई नहीं था। टीवी पे गाने की आवाज वापस आई और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दीपक और प्रतीक बाहर आए। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू चिल्ला क्यों रहा था? मनीष ने जब बताया कि उसे लगा जैसे सोफे को उन दोनों ने पीछे से खींचा है तो प्रतीक ने कहा, यार हम तो तेरे सामने ही निकले हैं, कहीं इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं? मेरे ख्याल से ना तू सो जा, जागता रहेगा तो और परेशान होगा, कोई दिक्कत हो तो हमें आवाज दे देना। मनीष अपने कमरे में गया तो लैपटॉप निकालकर इंटरनेट सर्फ करने लगा। इंटरनेट पे ही उसने ऐसे वाक्य ढूंढे जहां लोगों ने अपनी आप बीती लिखी थी। वहीं से पता चला कि किसी ने अपने बिस्तर पे सर की तरफ से ऊपर एक कील दीवार पर ठोकी थी, जिसके बाद से ऐसी दिक्कतें उसके साथ कभी नहीं हुई। मनीष ने तुरंत टूल बॉक्स निकाला, एक लंबी कील निकाली और लगा हथौड़ी से उसके सर के ऊपर दीवार में ठोकने। कील दीवार में ठोककर मनीष
टूल बॉक्स रख के बाथरूम में हाथ धोने गया और हाथ धोते धोते मनीष बाथरूम से बाहर आया तो उसकी आंखों ने जो देखा उसे देख मनीष का दिल किया एक कील अपने बदन में गाड़ कर देखे कि वो जाग रहा था या सो रहा था। उसके सामने दीवार में ठोकी हुई उसकी वो कील जमीन पर पड़ी थी और दीवार से वो पूरी की पूरी ईंट ही निकली हुई थी और दीवार से ईंट निकली हुई थी। मनीष किसी तस्वीर की तरह वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा। हैरानी इतनी थी कि हिलना तो दूर पलके भी नहीं झपका पा रहा था। मनीष एक कदम बढ़ा ही था जब पूरे कमरे में दीवार में लगी हर एक कील जमीन पर निकल के गिरती जा रही थी। हर वो ईंट जिनमें कीलें धंसी थी वो सारी भी दीवार से नीचे एक एक करके गिरती जा रही थी। मनीष की चीखें पूरे फ्लैट में गूंज रही थी और यही चीखें सुनकर दीपक और प्रतीक दौड़े दौड़े आए मनीष के कमरे में और एक कोने में किसी डरे हुए बच्चे की तरह घुटनों में मुंह छुपाए बैठे मनीष को पकड़ के प्रतीक ने कहा, मनीष क्या हुआ मनीष? अरे तू ठीक तो है मनीष, क्या हुआ तुझे? मनीष किसी बच्चे की तरह रोता हुआ अपना देखा हुआ कुछ बताता। उससे पहले ही सामने के नजारे ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया क्योंकि जिस फर्श पे सीमेंट ईंटें और कीलें होनी चाहिए थी वो पूरा फर्श बिल्कुल साफ सुथरा था। एक धूल का जर्रा भी नहीं था कहीं किसी कोने में। मनीष को प्रतीक ने उठाया और दीपक को इशारा किया। दीपक ने भी मदद की और मनीष को दोनों अपने कमरे में ले गए और दीपक ने कहा कि भाई आज रात यहीं सो जा, तू बहुत घबराया हुआ है, यहां हम सबके बीच तू सुरक्षित रहेगा और आराम से सो भी पाएगा। मनीष को भी उन दोनों के साथ अब थोड़ी हिम्मत बन गई थी, चुपचाप लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। सोते सोते ही गर्मी में उलझन होने लगी और पंखा भी तेज चलते चलते अचानक धीमा धीमा होते होते रुक गया और चरमराने सा लगा। मनीष एकदम से उठा तो अंधेरे में उसके माथे से कुछ टकराया। कमरे के बाहर से आती हल्की रोशनी में मनीष ने जो देखा उससे एक बार फिर उसकी चीख हलक में ही अटक के रह गई। पंखे से एक लाश लटक रही थी जिसके पैरों से मनीष का सर टकराया था। मनीष ने आंखें मलकर वापस ऊपर देखा तो लाश वहां नहीं थी। मनीष उठकर पानी पीने गया और पानी पीते पीते ही उसने सुना, इस बार क्या दिखेगा? यही सोचता हुआ मनीष किचन में गया तो आज पहली बार सामने कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे डर नहीं लगा बल्कि राहत मिली। सामने प्रतीक था। मनीष को देखकर उसने पूछा तो मनीष ने उसे पंखे से लटकती लाश के बारे में बताया। प्रतीक भी समझ ही रहा था कि
कि इतनी देर से इतना कुछ हो रहा था तो मनीष का हाल ऐसा होना ही था। उसने एकदम से बोला, चल मनीष बालकनी में एक सुट्टा मार के आते हैं। मनीष भी मान गया। दोनों गए और मनीष ने एक सिगरेट जला के एक कश ही मारा था जब प्रतीक ने अचानक गर्दन से मनीष को पकड़ा और बालकनी से बाहर हवा में ऐसा लटका दिया जैसे कोई रोई का पुतला था मनीष। चीखता चिल्लाता मनीष अब तो आखिरकार जीने की उम्मीद छोड़ ही चुका था जब कहीं से जिंदगी का मसीहा बनके दीपक आया और बालकनी से लटके हुए मनीष को किसी तरह खींच के ऊपर लाया। मनीष से हांफते हुए घबराए हुए दीपक ने कहा, अरे अरे भाई तू पागल हो गया क्या? यहां से लटक के मरना है? इतनी रात तू यहां क्या कर रहा है? मनीष गुस्से में उसी पर पलट के चिल्लाया, पागल मैं नहीं हूं, पागल तेरा भाई प्रतीक है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तुम्हारा भाई ये सब कर रहा है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, प्रतीक ने, प्रतीक ने, प्रतीक ने। दीपक इस बात पे बुरी तरह से बिफर पड़ा और गुस्से में दांत पीसते हुए उसने कहा, साले तू पागल ही हो गया है, ये देख प्रतीक सो रहा है वहां पर। एक बार फिर से चौंकने की बारी मनीष की ही थी क्योंकि प्रतीक गहरी नींद में कमरे में सो रहा था। मनीष चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। दीपक ने भी जब देखा कि किसी भी कमरे में सोए, दिक्कतें कहीं भी हो सकती हैं, उसने भी कुछ कहा नहीं। मनीष अपने कमरे में जाके लेटा तो नजर दीवार पर उसी की लगाई उस कील पर गई। अभी तक हुए इतने सब हादसों से मनीष जैसे खुद से ही परेशान हो गया था। मन ही मन उसने खुद से कहा, जब से ये कील ठोकी है तभी से दिक्कतें शुरू हुई है, अभी अभी निकाल के बाहर करता हूं इसे। मनीष ने प्लायर्स निकाले और कील निकालने को जैसे ही आगे बढ़ा तो एक आवाज गूंजी, मनीष समझ गया था कि जो भी है वो नहीं चाहता कि ये कील दीवार में लगी रहे। मनीष लगा कील को खींचकर दीवार से बाहर निकालने की कोशिश में। क्या हो रहा है मेरे साथ? पूरी ताकत से कोशिश करके भी कील टस से मस नहीं हुई और मनीष की हर बढ़ती कोशिश में वो आवाज और बढ़ती गई। मनीष ने हार के हथौड़ी वापस उठाई और उसी से मार मार के अब कील निकालता वो, लेकिन पहला वार करते ही मत निकालो इसे खाना। मनीष एक के बाद एक हथौड़ी से मारता गया। लेकिन वो कील नहीं निकली। मनीष थक हार के
नीचे उतरा और बैठ गया। बैठे बैठे उसे अचानक कुछ शक हुआ। मनीष ने लैपटॉप ऑन किया और इंटरनेट पर छाटना शुरू किया। जैसे ही उसने दीपक और प्रतीक एक साथ लिखकर सर्च किया, उसकी आंखें रिपोर्ट पढ़ के फटी की फटी रह गई। अब मनीष को सब समझ आ रहा था। हम तो तेरे सामने ही निकले हैं, कहीं इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं। चल मनीष, बालकनी में एक सुट्टा मार के। दीपक और प्रतीक दोनों भाई तो थे, लेकिन प्रतीक 4 साल पहले मर चुका था। मनीष ये सारी बातें अपने लैपटॉप पे पढ़ ही रहा था, जब उसे अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। इससे पहले कि मनीष पलट कर देखता कि उसके पीछे कौन है, मनीष आज भी पुलिस फाइल्स में लापता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फ्लैट में सिर्फ 2 लड़के रहते थे, दीपक और मनीष। दीपक के खिलाफ कोई सबूत कहीं था ही नहीं। एक फ्लैट ठाकुर साहिब ने किराए पर देने का एड पेपर में दिया, तो उनके पास एक फोन आया। फोन उठाया तो उधर से किसी ने कहा, मैंने पेपर में एड देखा कि आपको किराएदार चाहिए। मैं और मेरा भाई नया फ्लैट ढूंढ रहे हैं। कब देखने आए आपका फ्लैट? मैं हूं प्रवीण। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड FM पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।